Two bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from rooftops of two buildings 100 meter apart and height of 200 meter. So buildings की height 200 meter है और buildings के बीच में distance 100 meter है. With the same velocity of 25 meter per second. Horizontally fire की गई है, यानी कि केवल x component ही है. समझे? Ux is equal to 25 meter per second और ये वाला भी ux is equal to 25 meter per second. Plus minus आप कर सकते हैं, मतलब ये plus है ये minus है, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. आपसे पूछा गया है when and where will the two bullets collide. तो देखिए क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और उसी तरह ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना. कोई मिड पॉइंट टाइप होगा जहां पे ये मीटअप करेगा. ये मिड पॉइंट किसका होगा, 100 का मिड पॉइंट होगा. क्यों मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूं, इसका मिड पॉइंट नहीं होगा, इसी का मिड पॉइंट होगा. ऐसा मैं इसलिए क्लेम कर रहा हूं क्योंकि हॉरिजॉन्टली वो लगातार 25, मतलब यहां भी 25 यहां भी, तो अगर इसको आप वेलोसिटी वेक्टर मानते हैं तो ये भी 25 ये भी 25 25 25 25, हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो 25 का ही रहेगा. तो इस 25 को कवर अप करनी है कितनी डिस्टेंस, 100 की आधी. 100 का आधा कितना होता है, 50 मीटर. 100 का आधा हो गया 50 मीटर, तो r हो गया 50 आपका, और हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो 25 है टाइम एट t. टाइम आ गया आपका 2 सेकेंड. आपको ये अगर नहीं समझ में आया कि ये कैसे आया, तो ये आता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सो ये मतलब विदाउट एक्सेलरेशन जब होगा तो ये क्वेश्चन हमेशा ट्रू हो गया. अरे वही है यार, वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. उसी को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कर लिया. अब टाइम तो 2 सेकंड आ गया और हम ऑप्शन देखें तो भाई दो दो जगह 2 सेकंड आ रहा है. तो अभी हम लोग बच नहीं सकते, अभी और काम करना है. और काम ये करना है, जब ये ऊपर से नीचे यहाँ पे गिरेगी, ठीक है, तो कुछ हाइट एच नीचे गिरेगी और हमें लेकिन कैलकुलेट करनी है ये H1 हमें निकालना है, ठीक है. तो H ही पहले हम निकाल लें. H इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर. टाइम हम निकाल चुके हैं कि नहीं भाई, जब वर्टिकल मोशन देखेंगे तो यहां से बॉल जब नीचे गिर रही है या जो बुलेट नीचे गिर रही है उस केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और ना ही कोई इनिशियल वेलोसिटी. इसीलिए यूआई को हम, अगर आप और सही से करना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, बट कि यूआई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. लेकिन यार यूआई तो जीरो है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है बट वर्टिकल में वेलोसिटी नहीं है. तो h इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. जी कितना 10 ले लो, टी कितना 2 ले लो, फिर 2 ले लो, तो h इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया. अब कोई बच्चा गलती कर सकता, मतलब आप समझ लीजिए आपने 2 सेकंड निकाला, आपने 20 मीटर निकाला और आप जाके ऑप्शन सी टिक कराए, सब कुछ करने के बाद भी आपका गलत हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है When and where will the two bullets collide? तो at height जब आप वो 20 meter बोल रहे हैं तो वो at depth 20 meter, वो गलत हो जाएगा. हमको क्या बोलना पड़ेगा, इस 200 में से 20 घटाओ और h1 लो 180 meter, ठीक है. तो h1 is equal to 180 meter लेना पड़ेगा क्योंकि 20 meter is the depth from the point of firing. But 180 meter is the height from the bottom of the building. और जब ये 200 दिया, ये 180 होगा, ये 100 होगा, तो सब सेम ऑर्डर में आएंगे. तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. ये आंसर और ये आंसर मिलके किस ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन
बी में आ रहे हैं भाई, फिर से बी।